न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री के पहल पर गोरखपुर आ रहे दो ट्रेनों से यात्रियों को मेडिकल जांच के बाद पहुंचाया जाएगा उनके गंतव्य पर। व्यवस्थाओं का डीएम एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने लिया जायजा। कहा सुरक्षा संरक्षा के साथ की जाए मेडिकल चेकअप, उसके बाद ही भेजा जाए उनके घर जिससे रहे सुरक्षित। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कोविड 19 के संदिग्ध मरीजों के इलाज हेतु मंडल स्तर पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा। कहा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भेजा जाए केवल क्रिटिकल एवं 60 वर्ष से ऊपर के तथा 5 वर्ष के नीचे के मरीजों को ही। नॉन क्रिटिकल कोविड 19 पॉजिटिव केसों को भेजा जाए रेलवे चिकित्सालय में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर महाराष्ट्र से गोरखपुर आ रही स्पेशल ट्रेन के यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जीआरपी है सतर्क। एसपी रेलवे ने कहा यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी जीआरपी। खाद कारखाने में पहुंची अमोनिया बास्केट की मशीन। गुजरात से गोरखपुर पहुंचने में लगे 4 महीने, अब खाद कारखाना में उत्पादन शुरू होने की जगी उम्मीद। युवाओं को मिलेगा रोजगार। लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार बेलीपार थाना प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर निकाला गया फ्लैग मार्च। लॉकडाउन का पालन करने की गई अपील। कोरोना वॉरियर्स के रूप में आर्मी के जवानों ने किया पुलिस कर्मियों को सम्मानित। कहा कोरोना की जंग में पुलिस कर्मियों का सहयोग सराहनीय। डोर टू डोर सब्जी पहुंचाने की व्यवस्था लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी रहेगी लागू, मंडी निरीक्षक ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दूसरे चरण में भी कार्ड धारकों को वितरित किया गया राशन। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया विशेष ध्यान। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बने सभी चेक पोस्ट पर बढ़ाई गई पुलिस की चौकसी। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने आम जनमानस से की अपील। कहा बेवजह न निकले घरों से बाहर, पुलिस प्रशासन का करे सहयोग। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह की टीम द्वारा लंच पैकेट वितरण के साथ साथ विशेष अभियान के तहत लोगों को जागरूक करते हुए डाउनलोड कराया गया आरोग्य सेतु ऐप। और रविवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। अन्य जिलों से आने वाली गाड़ियों का नंबर किया गया नोट। अनावश्यक शहर में घूम रहे लोगों को एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर दी गई सजा। एसपी सिटी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील।